देख बिना ब्रेक डाउनलोड प्रियंका जी के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया बहुत है निंदा करता हूँ ये बदले लेने वाली बात मैंने पहली बार सुनी है जिंदगी के अंदर कोई मुख्यमंत्री कहे अपनी प्रजा के बारे में जो आंदोलन करेगी उनसे बदला लेगी सरकार फिर क्या बचता है तिरपन कंट्रियों ने तो अपने नागरिकों को शला देती है हिंदुस्तान में कोई नहीं जाए प्रियंका जी के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वो बहुत अनफॉर्चुनेट है मैं इसकी निंदा करता हूँ और मुख्यमंत्री यूपी से मैं कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी के अंदर आंदोलन होते हैं गिरफ्तारी होती है परंतु कोई किसी मिलने जाए परिवारजनों से बिना कोई कारण के उनको आप रोको किसी को कोई नागरिक को ये तो कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की महामंत्री है प्रियंका जी किसी व्यक्ति को रोकना किसी का अधिकार नहीं हो सकता डेमोक्रेसी के अंदर दुर्भाग्य इस बात का है कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए था कि वो योगी जी शांति बनाए रखने का अपील करते बुला के वार्ता करते क्या समस्या है क्या सोच है आपकी ये करने के बजाय शुरू से रवैया रहा है मुख्यमंत्री जी का कि आंदोलनकारियों के ऊपर सख्त कार्य की जाएगी संपत्ति जब्त की जाएगी और बदला लिया जाएगा ये बदला लेने वाली एक बात मैंने पहली बार सुनी है जिंदगी के अंदर कोई मुख्यमंत्री कहे अपनी प्रजा के बारे में जो आंदोलन करेंगे उनसे बदला लेगी सरकार फिर क्या बचता है उसी का परिणाम है कि की पुलिस के हौसले इतने बढ़ गए कि प्रियंका जी जो महामंत्री है कांग्रेस की उनके साथ व्यवहार दुर दुर्व्यवहार दुर दुर करना और जब वो नीचे उतर के गाड़ी से आठ किलोमीटर पैदल जा रही थी तब भी उन्होंने बदतमीजी करी ये घोर निंदनीय है और जो माहौल बन रहा है देश के अंदर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद को चाहिए कि वो आक्षेप करे वरना और स्थिति बिगड़ सकती है मेरा मानना है कि जो इस देश की छवि दुनिया में जो बदनाम हो रही है शायद उसकी जानकारी या शायद उसका आभास इस सरकार को नहीं है आ तिरपन कंट्रियों ने तो अपने नागरिकों को शराह दे दी है हिंदुस्तान में कोई नहीं जाए तमाम जो टूरिस्ट आते हैं इस सीजन के अंदर आना बंद हो गए होटलें खाली हो रही है खाली पड़ी है ऑक्यूमेंट ही फोर्टीमेंट नहीं आ पा रही है तो ये माहौल जो बनाया गया ये जानबूझ करके जिस रूप में ध्रुवीकरण करने की राजनीति है जो सोच बीजेपी की सोच है उसके कारण से आज ये ध्रुवीकरण करने के कारण से इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जो कि मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में किसी रूप में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता